बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके फ़ोन के बजे घंटी जब भी हो मेरे चैनल पर न्यू वीडियोस की एंट्री। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस कौशा मांगसो, जिसको मैंने बासुंती पुलाव के साथ सर्व किया है। सबसे पहले हम मीट को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने एक बड़े बोल में 500 ग्राम मीट लिया है। इसमें मैं 2 बड़ी चम्मच दही डाल रही हूँ। दही के साथ इसमें 2 बड़ी चम्मच प्याज का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच तीखी मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया। इन सबको डाल करके हम अब अच्छी तरीके से इसे मिलाएंगे मटन को। इसके साथ इसमें मैं 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको मिला करके करीब हम 1 से 1.5 घंटा मटन को छोड़ देंगे मैरिनेट करके। मटन को हम पूरा मैरिनेट करके इसी तरीके से रख देंगे करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए। चूल्हे पे मैंने मिट्टी का बर्तन चढ़ा दिया है। इसमें मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम बाद बाकी मसाले ऐड करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम अब कुछ साबुत मसाले डालेंगे। तेजपत्ता, सूखा मिर्च, ज़ीरा, 2 इलायची, कुछ लौंग और दालचीनी 2 टुकड़ा, इसको हम ऐड कर देंगे। मसाले हमारे चटक गए हैं, अब इसमें मैं 2 बड़े स्लाइस अनियन डाल देंगे। मैंने बड़े बड़े प्याज लिए थे, अगर छोटे प्याज लें तो 4-5 प्याज लगेंगे। जब तक भुन रहा है तब तक मैं कुछ मसालों को मिक्स कर लेती हूँ। ये मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। इस पानी में 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च पाउडर, इन सबको एक हम घोल तैयार कर लें। प्याज हमारा थोड़ा सॉटे हो चुका है, इसमें अब हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। इसे 1-2 मिनट भून लेंगे। प्याज और अदरक वगैरह भुन गया है, अब मैं इसमें ये मसाले का ये जो घोल हमने तैयार किया था वो ऐड कर देते हैं। इसे भी हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। मसाला बिल्कुल भुन गया है, अब इस स्टेज पे हम मैरिनेटेड मटन को ऐड कर देंगे। मटन को डाल करके मैंने अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे करीब 15 से 20 मिनट पकाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है हमारा मटन का। बट चूंकि मैं ये कौशा मांस बना रही हूँ तो ये अभी काफ़ी ग्रेवी है, इसमें ग्रेवी के सूख जाने का थोड़ा इंतज़ार करती हूँ। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे। मैरिनेशन में मैंने नमक डाला था इसलिए मैं नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम डाल रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला, मटन हमारा पक चुका है, बस थोड़ा सा इसे और सुखाएंगे। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। हमारा मटन बिल्कुल रेडी है, हम इसे स्टेज पे से उतारेंगे। इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाइए। ये कोलकाता की सारे रेस्टोरेंट की वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी है, कौशा मांसो और बासुंती पुलाव। आज मैं इसे बासुंती पुलाव के साथ ही सर्व करूँगी। थोड़ी सी धनिया पत्ता इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। बस इसे एक बार मिला लेंगे और रेडी है खाने के लिए ये बिल्कुल। इसे अब मैं सर्व करती हूँ। देखिए कौशा मांसो को मैंने बासुंती पुलाव के साथ सर्व किया है। बासुंती पुलाव की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एंजॉय द फूड।